मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के साकीनाका पुलिस ने 26 साल की लड़की की आत्महत्या के मामले में रिटायर्ड डीसीपी के बेटे को गिरफ्तार किया है। डीसीपी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आईपीसी के तहत अलग अलग धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया है। साकीनाका पुलिस ने इस पूरे मामले में आतिश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब परिवार के अन्य सदस्यों की जाँच में जुटी है। दरअसल सोनाली सदा फुले ने बीते बुधवार के दिन अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोनाली ने अपने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। सोनाली के परिवार वालों ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी सोनाली ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि आतिश के परिवार वालों ने सोनाली के घर वालों से 25 लाख दहेज की मांग की थी। सोनाली के घर वालों ने दहेज देने से इनकार जताया तो आतिश के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़की से करा दी। इस बात से परेशान होकर सोनाली ने आत्महत्या कर ली। सोनाली ने अपने सुसाइड नोट में सभी बातों का जिक्र किया है और आतिश और उसके परिवार वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया है।